जुबान चलाती है, जुबान चलाती है, जुबान चलाती है मेरे सामने, जुबान चलाती है। ये लें आपके लिए चाय। ये चाय है इतनी ठंडी? मैंने अभी आपके लिए बनाई है। अच्छा तो मैं झूठ बोल रहा हूं? आज के बाद अगर मैं कोई बात बोलू ना तो आगे से जवाब मत देना, सिर्फ सुनना, समझी तुम? अबे क्या हुआ, ना गुस्से में क्यों है? अबे गुस्सा ना हो तो और क्या करूं? अबे हुआ क्या है, कुछ बताएगा कि नहीं? अबे होना क्या है यार, वो मेरी नाम औरत बीवी नहीं है, जिंदगी अजाब कर दी मेरी उसने। बीवियां होती ऐसी हैं, हड्डे नखरे हड्डे फरमाइश है। लेकिन तू मुझे देख, मैंने अपनी बीवी को लकड़ी की तरह सीधा कर रखा हुआ है, ऐसी चार चोट की मार देता हूँ एक अल्फाज निकलता मुंह से। अबे तो मैं कौन से नखरे उठाता हूँ? और नखरे उठाने की जरूरत भी नहीं है, जैसा बोलता हूँ वैसा कर। अबे जैसा तुमने समझाया था वैसे ही कर रहा हूँ, रोज साली पिटती है मुझसे लेकिन बाज नहीं आ रही है। जुबान चलाती है मेरे सामने, जुबान चलाती है। मैंने किया ही क्या है, आते मुझे मारना शुरू कर दिया, मेरा कसूर क्या है? तो मैं पागल हूँ, तुम्हारे को बेला बजा मार रहा हूँ मैं? अगर मैं आपको नहीं पसंद तो मुझे मेरी माँ के घर वापस छोड़ दे। ये तो तुम्हारी ख्वाहिश रह जाएगी कि तुम्हारे को तुम्हारे माँ बाप के घर पे भेज दूँ, जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हारे को मैं, समझू तुम? अबे हाँ हाँ जैसा तूने कहा है वैसे ही मैंने किया, हरामजादी को चमड़े के बेल से मारे मैंने। अबे अच्छा अच्छा यार बाद में फोन करता हूँ, अब मेरे दिमाग मत खराब करो यार। हरामजादी ने दिमाग खराब करके रख दिया। अच्छा तो वो हरामजादी है। तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मैं तुम्हारा आप, तुम्हारा जमीर, जिसे तुम भूल बैठे हो। ओ अच्छा जमीर, बोलो क्यों आए हो? अभी तुमने क्या कहा फोन पर? क्या क्या कहा, किस बारे में? यही कि औरत के बारे में कि वो हरामजादी है। हाँ वो तो है, औरत तो तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारी बहन भी। जबान संभाल के बात करो। अच्छा अगर औरत माँ हो या बहन हो तो जबान संभाल कर बात करो, और अगर वही औरत बीवी हो तो हरामजादी। मुझे एक बात बताओ, तुम बच्चा पैदा कर सकते हो क्या? अबे मैं कैसा बच्चा पैदा कर सकता हूँ, मैं तो मर्द हूँ। मर्द हो तो फिर ये बात क्यों भूल जाते हो कि मर्द औरत पर हाथ उठाकर नहीं बल्कि हाथ जोड़कर उनकी इज्जत करते, तभी असल मर्द कहलाते। याद रखो औरत अगर बच्चा पैदा करती है ना तो 200 हड्डी टूटने का दर्द महसूस करती है, फिर भी वो ये बात बर्दाश्त करती है। मगर जब मर्द औरत पर हाथ उठाते ना तो एक हड्डी टूटने का दर्द 200 हड्डी टूटने से ज्यादा महसूस करते, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। और एक बात याद रखो, औरत अपने मर्द से चाहे वो बाप की सूरत में हो या भाई की सूरत में हो या अपने शौहर की सूरत में हो, सिर्फ प्यार के दो बोल चाहती है और इज्जत और कुछ भी नहीं। और हाँ अभी भी वक्त है, जाओ अपनी बीवी से माफी मांगो और एक नई जिंदगी का आगाज शुरू करो। और हाँ एक बात और, औरत अगर माँ है तो दुआ है, बहन है तो एहसास है, बीवी है तो ढाल है। सही कह रहे हो तुम, मैंने लोगों की बातों में आके अपनी बीवी को मारा और बेइज्जत किया, और तुम्हें यह बात भी सही कही है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं उससे माफी मांग सकता हूँ, तो जाओ। रानी,
रानी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया जबकि तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। आप माफी ना मांगे, शायद मैं ही आपके मायार में पूरा उतर ना सकी। मायार पे तो मैं पूरा नहीं उतर सका, मुझे माफ कर दो। और आज से हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे और मैं अपना पूरा फर्ज अदा करूंगा शोर होने का। ठीक है, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। रुको, चाय गर्म होनी चाहिए, ठंडी नहीं, समझे तुम? अरे मजाक कर रहा था, जब जाके चाय बना। ठीक है। तो व्यूअर्स, ये कहानी बनाने का मकसद सिर्फ ये है हम आपको समझा सके कि मियां बीबी का रिश्ता एक अजीम रिश्ता हो, और क्यों ना हो, अल्लाह ताला ने निकाह को पसंद फरमाया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।